13 मई 2008, राजस्थान का जयपुर शहर। 15 मिनट के अंदर 9 सीरियल ब्लास्ट होता है, 64 निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते हैं, 216 लोग घायल होते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में 9 सीरियल ब्लास्ट फिर से होता है, जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवाते हैं और 20 लोग घायल होते हैं। अगले ही दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में 23 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होता है, 56 लोग अपनी जान गंवाते हैं और 200 से अधिक लोग घायल होते हैं। इस घटना के 2 महीने बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में, राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, 5 सीरियल ब्लास्ट होता है, 30 से अधिक लोग मारे जाते हैं, 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। अकेले वर्ष 2008 में 800 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 1800 लोग घायल होते हैं। इस घटना के 6 दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुस्लिम बाहुल इलाके में शक के आधार पर रेड करने पहुंचती है। आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें दिल्ली पुलिस के गैलेंट्री अवार्ड विजेता इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वीरगति को प्राप्त होते हैं। 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल होते हैं। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, 1 आतंकवादी को मौके से गिरफ्तार किया जाता है, 2 आतंकवादी भागने में कामयाब होते हैं। 150 से अधिक लोगों की जान लेने वाला और 500 से अधिक लोगों को घायल करने वाला आतंकवादी मारा गया था। पूरे देश को खुश होना चाहिए था, लेकिन सत्तासीन पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस एनकाउंटर को फर्जी घोषित करते हुए जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। प्रशांत भूषण, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता और समाज सेवी संस्थाएं, लिब्रांडुओं की एक गैंग खड़ी हो जाती है, जो मारे गए आतंकवादियों को मुस्लिम, निर्दोष मुस्लिम घोषित करने का नैरेटिव खड़ा करते हैं। दिल्ली दंगों में मारे गए 30 से अधिक लोग और 100 से अधिक घायल लोगों की परवाह कोई नहीं करता है, पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश होती है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आज इस एपिसोड में हम लोग यही स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि लिब्रांडुओं की ये गैंग किसी बड़ी से बड़ी दुर्घटना को कैसे नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करती है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। 13 मई 2008, जयपुर का राजस्थान शहर। शाम को 7:10 पर 9 सीरियल ब्लास्ट होता है, 1 बम को डिफ्यूज कर दिया जाता है, 64 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, 216 लोग घायल होते हैं। बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया था। बम को साइकिल से अटैच किया गया। इससे पहले साइकिल और बम का उपयोग हैदराबाद बम ब्लास्ट और वाराणसी बम ब्लास्ट में हो चुका था, जिसमें हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी, जो बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन है, उसका नाम आया था, उसके लोग पकड़े गए थे। बम को बनाने में अलार्म क्लॉक का उपयोग किया गया था। अगले दिन 14 मई को शाम को 8:44 पर आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने हमले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया था। ये ईमेल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से भेजा गया था, जो दिल्ली से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ईमेल में एक वीडियो क्लिप भी अटैच किया गया था, जिसमें जयपुर में इस्तेमाल किया हुआ बम और साइकिल, ये पूरा अरेंजमेंट लाइव दिखाया गया था। 25 जुलाई 2008, बेंगलोर। दिन के 1:20 से लेकर 2:45 तक 8 सीरियल ब्लास्ट होता है, 1 बम को डिफ्यूज किया जाता है, 2 लोग की मृत्यु होती है, 20 से अधिक लोग घायल होते हैं। यहाँ पर बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फिर से होता है, लेकिन इस बार टाइमर अलग था। इस बार PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ भी लश्कर-ए-तैयबा, LET और SIMI के लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ईमेल नहीं भेजा जाता है। 26 जुलाई 2008, यानी बेंगलोर बम धमाके के अगले ही दिन, अहमदाबाद में 23 जगह पर बम ब्लास्ट होता है, 56 लोग मारे जाते हैं, 200 से अधिक लोग घायल होते हैं। जो घटना होती है वो शाम को 6:30 से 7:45 के बीच होती है। 6:40 पर इंडियन मुजाहिदीन मीडिया को ईमेल भेजता है। ये ईमेल मुंबई से भेजा गया था,
जिसको ओपन वाईफाई को इस्तेमाल करके भेजा गया था। ओपन वाईफाई में किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। दो जगहों पर कार वैगनार का इस्तेमाल किया गया था बम धमाकों को करने के लिए। अहमदाबाद ब्लास्ट के दो दिन बाद 28 जुलाई 2008 को गुजरात पुलिस ने सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो जमाते इस्लामी हिंद की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, के दो मेंबर को पकड़ती है, तनवीर पठान और जाहिर पटेल को। इनकी निशानदेही पर सूरत से 29 जगहों पर बम बरामद किए जाते हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि सूरत में 26 जुलाई को ही 29 जगह पर और बम ब्लास्ट किया जाए। ये बम ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टाइमर यूज किया गया था वो अहमदाबाद ब्लास्ट के से थोड़ा सा अलग था। अहमदाबाद में अलार्म क्लॉक को यूज किया गया था, जबकि सूरत में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेंगलोर की तरह यूज किया गया। यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हो पाया क्योंकि हर सर्किट में एक कैपेसिटर कम लगा हुआ था गलती से। बम दोनों जगह का सेम था। दोनों जगह के बम में अमोनियम नाइट्रेट यूज किया गया। 15 अगस्त 2008 को गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आतंकवादी घटनाओं में सिमी और हुजी, जो बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन था, इन लोगों को शामिल होने का जिम्मेदार पाया। सिमी के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद हुजी ने क्लेम किया कि उसने ये बम ब्लास्ट अकेले किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ता बाद, मतलब 23 अगस्त को इंडियन मुजाहिदीन ने फिर से एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में बदला जारी रखने की बात कही गई और कुछ फोटोज भेजे। इन फोटोज में ऐसी फोटो भी थी जिसमें बम को इंडियन मुजाहिदीन के शेप में सजाया गया था और उसके पीछे कपड़े पर गुजराती में इंडियन मुजाहिदीन लिखा हुआ था। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में शाम को 5:55 पर करोल बाग के गफ्फार मार्केट में पहला ब्लास्ट हुआ। 30 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 के आसपास लोग घायल। अंतिम ब्लास्ट 6:30 और 6:35 पर ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट में हुआ था। बम बनाने में फिर से अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ था। जयपुर और अहमदाबाद की तरह यहां पर भी टाइमर को बनाने में अलार्म क्लॉक का यूज किया गया। इंडियन मुजाहिदीन ने 6:27 पर ईमेल भेजा। दिल्ली के सकरपुर से ईमेल भेजा गया था जिसमें दावा किया गया था कि 5 मिनट बाद बम ब्लास्ट होंगे, लेकिन यहां पर बम ब्लास्ट 5:55 पर पहला हो चुका था। इस ईमेल में फिर से अहमदाबाद और जयपुर में हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई। मुंबई में 2006 में हुए बम ब्लास्ट के लिए भी जिम्मेदारी ली गई। इसमें यह कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन का सिमी से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो पहली बार जिहादी आतंकवादी की घटनाओं में पहली बार जो चीज सामने आई वो ये थी कि इन्होंने इस बार क्रिश्चियनों के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की बात कही। ये क्रिश्चियनों पर हुए अत्याचार की बात जो कर रहे थे, ये घटना 2008 की है। 2008 में 23 अगस्त को ही उड़ीसा में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की हत्या हो जाती है, जिसके विरोध में कुछ क्रिश्चियन को मारा जाता है। और आगे घटना, इसका संबंध कैसे लिब्रांडुओं से जुड़ता है, हम आगे देखेंगे। क्रिश्चियनों को सपोर्ट करना ये नई घटना थी, क्योंकि इससे पहले जयपुर और अहमदाबाद में बम ब्लास्ट का कारण एक ये भी बताया था इंडियन मुजाहिदीन ने कि भारत अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका काफिरों का देश है, वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने जांच करना शुरू किया। स्पेशल सेल क्या है? जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एंटी टेरर स्क्वाड ATS है, जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, उसी तरह से दिल्ली में स्पेशल सेल है जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। तो जब जांच शुरू हुई दिल्ली पुलिस की, तो उसमें सबसे पहले दो आई विटनेस मिले। एक 11 साल का बच्चा राहुल कुमार था, जिसने एक आतंकवादी को प्लास्टिक के बैग में बम को ले जाकर डस्टबिन में रखते हुए देखा था। दूसरा जो आई विटनेस था वो मूलचंद था, जिसके ऑटो में बम रख के ब्लास्ट किया गया था गफ्फार मार्केट में।
दरअसल उसी के ऑटो में आतंकवादी आए थे और उसको गफ्फार मार्केट के भीड़भाड़ इलाके में इंतजार करने के लिए कहकर अपना सामान उसी के ऑटो में छोड़कर वो आतंकवादी चला गया था। जब काफी देर तक आतंकवादी वापस नहीं आता है तो मूलचंद ड्राइवर अपने ऑटो से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता है उसी समय बम ब्लास्ट होता है, इसलिए वो काफी घायल हो चुका होता है। ये दो आई विटनेस से स्केच बनवाया जाना शुरू होता है दिल्ली पुलिस द्वारा। गुजरात की पुलिस ने दिल्ली के स्पेशल सेल को 3 मोबाइल नंबर दिए। ये 3 वो मोबाइल नंबर थे जिनका इस्तेमाल अहमदाबाद बम ब्लास्ट में किया गया था। लेकिन अभी हम सबसे पहले ईमेल पर फोकस करते हैं। 23 नवंबर 2007 से पहले इंडियन मुजाहिदीन का नाम किसी ने नहीं सुना था। 23 नवंबर 2007 को यूपी के फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद पहला ईमेल लिखा जाता है जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का नाम आता है और वो सरेआम ये क्लेम करता है कि ये घटनाएं उसने की हैं और ये हिंदुओं से बदला लेने के लिए किया गया है। जो ध्यान देने वाली बात है, इस पहले ईमेल में जो ईमेल आईडी यूज की गई थी उसमें गुरु नाम GURU नाम का इस्तेमाल किया जाता है। जयपुर ब्लास्ट के बाद 14 मई को भेजे गए ईमेल में भी गुरु वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। अहमदाबाद बम ब्लास्ट के बाद 2 ईमेल भेजे गए, एक तो उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी, उसमें alrabi_gujarat का इस्तेमाल हुआ था। 23 अगस्त को भेजे गए ईमेल में alrabi_alhindi का इस्तेमाल हुआ था और 13 सितंबर को भेजे गए ईमेल में guru_alhind का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर आप इन ईमेल्स को देखेंगे, ईमेल आईडी को देखेंगे, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, सभी ईमेल्स में guru_alhindi का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जरूर आता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जितने जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, इन सब में इस संगठन का हाथ होता है। अब आते हैं बम पर और उसमें यूज किए गए तरीके और टाइमर पर। सबसे पहले देखिए जयपुर में 13 मई 2008 को जो बम इस्तेमाल होता है उसमें अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। उसके बाद जितने भी बेंगलोर में भी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, अहमदाबाद में भी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, सूरत में भी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है और दिल्ली में भी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। ये अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों होता है, जबकि इससे पहले 2005 में 29 अक्टूबर 2005 को बम ब्लास्ट होता है धनतेरस के दिन, उसमें RDX का इस्तेमाल किया जाता है। 7 जून 2007 के बाद इंडियन मुजाहिदीन जितने भी हमले करता है उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इसका एक कारण ये होता है कि जो सप्लायर होता है RDX का, वो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन होता है, उसका एक गुर्गा होता है बाबू खान। बाबू खान RDX सप्लाई करता था और यूपी की STF ATS ने उसको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था 7 जून 2007। इंडियन मुजाहिदीन को अब RDX नहीं मिल रहा था तो वो अमोनियम नाइट्रेट को बम बनाने में इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी चीज, यहाँ पर जितने 5 ब्लास्ट की बात हो रही है, इसमें सूरत में जो ब्लास्ट कहीं पर नहीं हुआ 29 जगह पर बम रखे गए थे और बेंगलोर में जिसमें सबसे कम लोग मारे गए थे 2 लोग मारे गए थे, इन 2 जगह पर इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का यूज हुआ था, बाकी सभी जगह पर अलार्म क्लॉक का यूज किया गया था। इससे एक चीज स्पष्ट होती, आतंकवादियों का 2 ग्रुप या मॉड्यूल कम से कम है। एक वो ग्रुप था जिसने जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद में बम लगाए, दूसरा वो ग्रुप था, बम बनाने वाला था, जिसने बेंगलोर और सूरत में बम लगाए थे, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज होने की वजह से एक चीज और स्थापित होती है कि जिसने भी ये बम लगाए थे, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बनाया था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई थी। इसका मतलब वो कम से कम पाकिस्तान तो गया ही होगा। अब बात करते हैं खुफिया एजेंसी द्वारा दिए गए 3 मोबाइल नंबर्स का, जिसका यूज किया गया था अहमदाबाद ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो नंबर 04, 99 और 96, ये सभी नंबर 14 जुलाई को एक्टिवेट हुए और 26 जुलाई को बंद हो गए।
सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला कि नंबर 04 पर यूपी के एक बीएसएनएल नंबर 41 से मिस्ड कॉल आई है। इसके अलावा ये तीनों नंबर केवल आपस में बात करते। ये डॉक्टर शाहनवाज के नाम से रजिस्टर्ड था और मिस्ड कॉल के समय इसकी लोकेशन मुंबई में पाया गया। अहमदाबाद ब्लास्ट के समय ईमेल भी मुंबई से भेजा गया। बीएसएनएल का ये नंबर 09 से भी कॉन्टिन्यूस टच में था, जिसकी लोकेशन दिल्ली में था। खुफिया एजेंसी से मिले मोबाइल में से एक 99 की लोकेशन 17 जुलाई से 23 जुलाई तक दिल्ली में मिला। पुलिस को लीड मिल चुका था। दिल्ली में मिले नंबर 9811004309 का डिटेल निकाला गया। 1 अप्रैल 2007 को एक्टिवेट हुआ ये सिम मिर्जा सादाब बेग के नाम पर था, जिसका आज तक पता नहीं चला कौन है ये। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद 11 अगस्त 2008 को इसे मोहम्मद आतिफ अमीन के नाम से पोस्टपेड करा लिया गया। पता दिया गया फ्लैट नंबर 108 L18 बाटला हाउस जाके नगर दिल्ली। इस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया और 17 सितंबर को इस नंबर का CDR मिल गया। CDR से पता चला 3 सितंबर को आतिफ ने रमेश नामक हवाला ऑपरेटर से बात की और उसे 1.5 लाख रुपए उसी दिन पहुंचाया गया। 6 सितंबर को आतिफ की बात मोहम्मद शकील से होती है, जिसमें दोनों के बीच ऑटो पार्किंग की बात होती है। लोकेशन इस समय आतिफ की बाटला हाउस होती है और शकील की करोल बाग। 7 सितंबर को आतिफ की बात हाकिम की होती है, जो आतिफ को मामू कह के बुलाता है। किसी जरूरी सामान को लखनऊ से दिल्ली लाने की बात होती है। आतिफ सख्त लहजे में कहता है कि केवल वोल्वो बस द्वारा ही आना है और ध्यान रखने को बोलता है। 17 सितंबर को स्पेशल सेल को इस CDR से आतिफ अमीन पर शक हो जाता है, लेकिन अभी शक भरोसे में नहीं बदला होता है। 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल सेल को सूचना देती है अफजल उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अफजल उस्मानी कौन था? यह अफजल उस्मानी वही चोर होता है जो मुंबई से 4 वैगनार कारें चुराता है, जिसका आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। 2 कारों का इस्तेमाल वो अहमदाबाद बम ब्लास्ट में कर लेते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है, और 2 कारों का इस्तेमाल वो सूरत में बम ब्लास्ट करने के लिए करते हैं और जो ब्लास्ट नहीं होता है, और वो गुजरात पुलिस ने उसको बरामद कर लिया था बम के साथ में। अफजल उस्मानी के निशानदेही पर मुंबई पुलिस गुजरात में उस घर तक पहुंच गई जहां पर बम बनाए गए थे अहमदाबाद और सूरत में ब्लास्ट करने के लिए। अफजल उस्मानी ने सूचना दी निशानदेही की कि अहमदाबाद ब्लास्ट के समय 13 लोग राजधानी ट्रेन से 26 जुलाई को ब्लास्ट होने से पहले दिल्ली के लिए आए थे। वो उन सभी को चेहरे से पहचानता है और उनकी निशानदेही कर सकता है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने अब उन 13 लोगों की जांच करनी शुरू की। किन लोगों ने रिजर्वेशन कराया था 13 लोगों का एक साथ? पता चला कि 13 लोगों का एक साथ रिजर्वेशन कराया गया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और पर्ची पर सभी का नाम फर्जी था। 13 लोग जिन्होंने राजधानी पर ट्रेवल कर रहे थे उन सभी का हिंदू नाम रखा गया था। हिट एंड ट्रायल बेसिस पर आतिफ की लोकेशन चेक की गई कि इस समय रिजर्वेशन कराते समय आतिफ कहां पर। जब रिजर्वेशन का टाइमिंग मैच कराया गया तो ये पता चला कि आतिफ अमीन की लोकेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन काउंटर पर थी। पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि आतिफ अमीन का मोबाइल कई ऐसे मौकों पर स्विच ऑफ था जो बेहद इम्पोर्टेंट। 23 नवंबर 2007 जब पहला ईमेल भेजा गया था वाराणसी फैजाबाद और लखनऊ में ब्लास्ट होता है 1:03 से लेकर 1:32 के बीच, और ईमेल भेजा जाता है 1:18 पर। आतिफ का फोन स्विच ऑफ रहता है 12:17 से 2:57 तक। दूसरा ब्लास्ट जयपुर 13 मई 2008 7:10 से 8:30 के बीच में ब्लास्ट होता है। आतिफ का फोन स्विच ऑफ रहता है 12 मई को रात 10 से लेकर 14 मई को 1 तक दोपहर में। ईमेल जयपुर के केस में 14 मई को भेजी जाती है, मतलब अगले दिन 8:44 पर, और आतिफ का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है 7:12 से शाम को और
रात में 9:16। 13 सितंबर दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है 5:55 से 6:35 तक। आतिफ का फोन स्विच ऑफ रहता है 4:57 से 7:02 तक। ईमेल भेजा जाता है 6:27 तक। अहमदाबाद बम ब्लास्ट 26 जुलाई 2008 को 6:30 से 6:45 तक बम ब्लास्ट होता है। ईमेल भेजा जाता है 6:40। अहमदाबाद में आतिफ का मोबाइल स्विच ऑफ रहे 11 जुलाई को 1:07 से 13 जुलाई को 12:59 तक। 14 जुलाई को 11:41 AM से लेकर 17 जुलाई 1:45 तक। 17 जुलाई 1:45 दोपहर से लेकर 23 जुलाई 12:40 तक मोबाइल ऑन रहता है। और फिर 12:40 से 23 जुलाई को 27 जुलाई को सुबह 10:01 पर ये मोबाइल ऑन होती है। अब शक यकीन में बदल जाता है। आतिफ अमीन का कोई ना कोई इन बम ब्लास्ट में रोल होता है। पुलिस स्पेशल सेल को पक्का भरोसा हो जाता है। दो टीमें बनाई जाती हैं। एक का नेतृत्व करते हैं गैलेंट्री अवार्ड विजेता इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और दूसरे का नेतृत्व करते हैं DCP संजीव यादव।